गर्ल्स वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट एंड ठंड जैसे कि बहुत ज़्यादा कम हो गई है तो हम लोग गर्मी के ठंड के सारे कपड़े रखे हैं बट हल्का सा हम शर्ट डाल लिए। और मैं काफ़ी दिन से अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ जो कि मुझे कंटिन्यू करना है बट मेरी तबीयत थोड़ी इसलिए ठीक नहीं थी इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी। बहुत बहुत जल्दी ठंड चली गई, जिस हिसाब से इतनी तेज़ी से ठंड पड़ रहा था उतनी ही जल्दी ठंड चला गया और लग रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी इस बार। और ये मौसम तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, तो हमेशा यही लगता है कि मौसम ऐसे ही रहे हल्की हल्की ठंड, बट ऐसा हमेशा हो नहीं पाता। कल मैं मार्केट गई थी आई एंड उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया और आज मैं बनाने जा रही हूँ, मतलब लड्डू की तैयारी कर रही हूँ। वैसे कल नहीं परसों बांधेंगे तो मैं थोड़ा थोड़ा करके तैयारी कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या तैयारियाँ की हैं। है गोंद जिसको मैंने डीप फ्राई कर लिया और ये बबूल का गोंद है जो कि बहुत ही अच्छा होता है और बहुत जल्दी मिलता नहीं बट लकली मुझे मिल गया था। एंड ये देखिए छुआड़ा है, 1 kg छुआड़ा था जो को मैंने उसको बीजा निकाल के एंड उसको कल्हार लिया था देसी घी में। और इधर देखिए मैंने आधा पीस लिया एंड ये बादाम को भी मैंने डीप फ्राई किया था और उसको भी पीस लिया है, तो आधा बादाम इसमें है एंड आधा बादाम इसमें है। और साथ में ये मखाना है, 250 ग्राम मखाना था जिसको मैंने कल्हार के पीस लिया है। और आज मैंने इतनी तैयारियां की हैं, अभी मुझे गरी मतलब गरी का बुरादा मुझे लाना था बट मैं गरी लेके आई हूँ, 1 kg गरी है तो उसको भी मिक्सी में पीस के उसके बाद ही कल्हार के मैं डालूंगी। और सब कुछ मैं कल्हार के डालती हूँ ताकि लड्डू काफ़ी दिन तक चले और थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में बना रही हूँ मैं लड्डू। जैसा कि शायद मैंने आप लोग से शेयर नहीं किया, मेरी दीदी जी थी नंदी जो कि प्रेगनेंट थी, उनको एक छोटी सी प्यारी सी बउआ हुई है, बेटी हुई है उनको, तो उनके लिए ही मैं लड्डू बना रही हूँ। तो मतलब एक साथ करिए तो बोर हो जाइए, तैयारी करने में टाइम लगता है तो मैं आज से ही थोड़ा थोड़ा करके तैयारियाँ कर रही हूँ और कल परसों में अच्छे से पूरा लड्डू बन जाएगा। एंड मैं जैसे कि ठंड जा रही है तो उसके लिए मैं अभी और क्या क्या डालूंगी तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो में बने रहिएगा एंड देखते रहिएगा मैं क्या क्या डालूंगी। और इधर देखिए क्वेटी की दाल बनाई है जो कि बन गई, बस मुझे देना है तड़का साथ ही साथ। एंड इधर ये देखिए मैंने आलू कल्हारा बनाया और जो कि बहुत कम क्योंकि हम और यही खाएंगे, बच्चे खाएंगे नहीं। एंड ये मिक्स मल्टीग्रेन आटा की रोटियाँ थोड़ी सी बड़ी बड़ी है क्योंकि हाफ ऑफ करके हम लोग खा लेंगे और ऐसे ही थोड़ी सी करादी रोटी अच्छी लगती है, मैं मतलब बनाने के बाद तवे पर रख देती हूँ। ये हो गया एंड इधर मेरी बन गई राइस सेट और मैंने कुछ नहीं बनाया है तो बस अब हम लोग जाने खाना खाने एंड और जो भी तैयारी मैं कर पाऊंगी कर लूंगी क्योंकि कल आएंगी एंजल, नित्या और भाभी आएंगी तो वो लोग रुकेंगी 1-2 दिन तो मस्ती करना एंड भाभी साथ में मेरे लड्डू बनवाएंगी क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, स्लिप डिस्क हो गया है मुझे, तो मुझे ज़्यादा खड़ा नहीं रहना है इसलिए मैं थोड़ा 2-3 दिन से ही हल्का हल्का खड़ा होकर तैयारी कर रही हूँ। फिर भी पेन पैर में, एक साइड के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो डॉक्टर ने बोला आप जितना हो सके आराम कीजिए, कम चलिए, तो इसलिए और ही मैं जल्दी तैयारी करूँ क्योंकि एक एक चीज़ कल हारिए पीसिए तो मैं बैठ के ही पीस रही हूँ। और तो बस आप चलते हैं, सबको खाना देते हैं पहले। एंड ये मेरा मल्टीग्रेन रोटी, ये इनको बहुत तेज से भूख लगी थी। 5-0 2 7 मेरे पैर में प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली जब मैं दवा खाया मैंने मुझे जो स्लिप डिस्क हो गया था उसकी वजह से मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होता था पैर में। एंड मैंने डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद जब मैंने दवा ली तो फेस पे सूजन, मेरा फेस सूजा हुआ था। एंड फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया जाके तो उन्होंने मेरे दवा का डोज थोड़ा कम कर दिया बट मैं फिर ऐसे ही दवा ले रही हूँ। 2-3 दिन मैंने डोज कम करके लिया लेकिन दर्द था, उसके बाद मैं पूरा जैसे डॉक्टर ने बोला था वैसे ही ले रही हूँ बट अब सूजन नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना वीडियो कंटिन्यू करूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मेरा वीडियो में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा है, बट मेरी पूरी यही कोशिश रहती है मैं अपना वीडियो कंटिन्यू करूँ। एंड मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि कल एंजल नित्या आएंगी। हाँ
ठंड तो बिल्कुल गई, मतलब बिल्कुल नहीं लगती ठंड। मैंने ज्यादातर वूलेन हटा दिए हैं, बस शाम को रात में थोड़ी सी ठंड होती है, बस धीरे धीरे रजाई भी हटा, मतलब कंबल भी हटा देंगे। तो बस अब चलते हैं अपना खाना एंजॉय करते हैं। जब भी मैं लड्डू बनाती हूँ तो मेरे साथ एक हादसा जरूर होता है, वो ये हो गया, ये देखिए मिक्सर जार का क्या हाल हो गया है, एंड ये यहाँ जाके फिक्स हो गया है। ये देखिए ये वाला जो है पार्ट, ये बीच में होता साइड में जाके एकदम चिपक गया। मेरा नया मिक्सर था ये, अब ये जा रहे हैं बनवाने। तो वो मैंने क्या, मतलब मैं छुहाड़ा पीसती थी तो मैंने उसके दो पार्ट्स किए थे, अब मैं इसके छोटे छोटे पार्ट्स कर रही हूँ ताकि जब बन के आए तो दोबारा ना प्रॉब्लम आए। और कभी भी हार्ड चीज को पीसना हो तो ये दिक्कत हमेशा आती है मिक्सर जार में। तो ये देखिए आप लोगों के साथ होता है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। मियाँ जी जा रहे इसको बनवाने, रेडी हो गया। तो मैंने जितनी चीजें थी उसको पीस के डाल दी है, एंड अभी मैंने गरी को, मतलब खड़ी गरी मैं लेके आ गई थी, उसमें जो बुरादा लाना था उसको भी छोटे छोटे पीसेस में कट करके मैंने उसको पीस के एंड भून लिया है। तो ये देखिए, तो ये देखिए गरी, मतलब ये 1 kg गरी है, गरी का गोला था तो मैंने उसके छोटे छोटे पीसेस किए, क्योंकि मिक्सर खराब हो जाता है अगर मैं बड़े बड़े पीसेस करती हूँ। तो मैंने छोटे छोटे पीस करके इसको मैंने पीस लिया, एंड इसको मैं भून ले रही हूँ, क्योंकि लड्डू कम से कम कुछ दिन खाना ही है और गरी बहुत जल्दी महक जाता है, मतलब अगर किसी चीज़ में आप डालिए, अगर गरी खराब ना हो तो। बट इसको भूनने से ये थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, तो बस इसको मैंने भून लिया है अच्छी तरह। एंड इधर ये है अखरोट, इसको भी अभी डीप फ्राई करके, मतलब हल्का सा भून लेंगे इसको भी, क्योंकि ये भी बहुत जल्दी खराब हो सकता है ये। एंड काजू, ये दो चीज़ मुझे और डालनी है, एंड और का और आटा और जो कुछ भी है वो मैं कल करूँगी, आज बस इतना ही करूँगी। मैंने क्या क्या डाल दिया, गोंद, अलसी और बादाम एंड मखाना, और क्या डाला मैंने, हाँ इतना डाल दिया है पीस के। अब मैं गरी डाल दूँगी, एंड अखरोट और काजू मैं बाद में डालूँगी, एंड आज परू अपने लिए राइडर लेके आई है तो उसी में खेलने में मस्त है। और मैंने दिन में दाल चावल बनाया था, अभी मतलब थोड़ा लेट हो गया था खाने में तो, बट अभी ज़्यादा किसी का कुछ खाने का मन नहीं है तो मैं बस फ्राइड राइस बनाऊंगी, एंड मीठी दलिया इनको पसंद है तो वो डिनर में होगा, और मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। इधर शादी में मैं कुछ ज़्यादा ही मैंने चटर पटर मीठा खा लिया था, तो थोड़ा सा इस समय ध्यान दे रही हूँ अपने खाने पीने पर। तो बस चलते हैं। परी देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, परी परी यहाँ देखो, अब मैं काजू का लहर लूंगी, एंड साथ ही साथ तो काजू थोड़ा सा हो जाएगा, मैं साथ में ही मैं अखरोट भी इसमें डाल के एक साथ कर लूँगी, और दोनों को हल्का सा ब्राउन कर लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डीप फ्राई करूँगी ताकि बहुत ज़्यादा जल ना जाए, हल्का हल्का ही ब्राउन करूँगी। अब मैं इसमें डाल दूंगी पोस्ते का दाना, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है लड्डू में, तो मैं वो 100 ग्राम लेके आई थी, तो 100 ग्राम में पोस्ते का दाना डालूंगी एंड उसको भून लूंगी, और वो भी मैं लड्डू के सारे बैटर में मिला दूंगी जो मैं पीस के रखती जा रही हूँ। तो जितनी आप तैयारियाँ कर लीजिए उतनी अच्छा रहता है, उतनी जल्दी बनेगा। और कल नेक्स्ट डे आटा भून के उसमें डालना, और मैं क्या क्या डालती हूँ आप लोग ज़रूर देखिएगा।
पोस्ते का दाना मेरा भुन गया था, मैंने मिला दिया था लड्डू के बैटर में। एंड अब मैं अपना राइस फ्राइड राइस कर रही हूँ, वो भी सिर्फ अनियन से करूँगी। थोड़ा सा हरा मिर्च मैंने डाला है और कुछ भी नहीं, डेड सीड। थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूँगी जीरा एंड सिंपल सा सिर्फ नमक डाल के मैं इसको फ्राई करूँगी। कभी कभी बस सिंपल सा अच्छा लगता है और कुछ भी नहीं डालूँगी। फ्राइड राइस हो गया था, बहुत ही थोड़ा था, बहुत ज़्यादा नहीं था। एंड मैंने दलिया भी गरम कर लिया था, तो बस इनके लिए मैं बना रही हूँ चाय। ये आजकल के बच्चे पता नहीं क्या देखते हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। फिलहाल क्या देख रहे हो बेटा आप लोग, क्या मेरे बच्चे पता नहीं क्या देखते रहते हैं। ये देखिए दोनों, खाने में कम ध्यान है एंड और अब इस समय बहुत अच्छे से गर्मी पड़ने लगी है। हमें लगा है मार्च तक तो बहुत अच्छे से गर्मी होगी, फिलहाल तो आज वैसे भी बहुत ठंड बिल्कुल नहीं है ना। आपको चश्मे का अंकल लग रहा है एकदम। और ये बहुत बुरी आदत है सबकी कि खाते समय लोग अपना फोन एंड बच्चे टीवी, बहुत बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। इधर देखिए, ये देखिए चश्मे वाले अंकल, मुझे अपना फोन के जी कम करना है।